बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की एंट्री अब सोशल मीडिया पर हो गई है। पार्टी की तरफ से इस संबंध में बाकायदा जानकारी दी गई और ट्विटर हैंडल भी बताया गया। यह ट्विटर अकाउंट सुश्री मायावती के नाम से खोला गया है। अकाउंट प्रोफाइल में लखनऊ के 9 मॉल एवेन्यू का पता दिया गया है, यहाँ उनका आवास है। साथ ही BSP का सेंट्रल कैंप कार्यालय भी यहीं से चलाया जाता है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बाकायदा इस संबंध में प्रेस नोट जारी किया गया है। बुधवार को यानी कि 6 जनवरी को जारी इस प्रेस नोट में घोषणा की गई है कि BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती ने पहली बार ट्विटर के माध्यम से भी लोगों व मीडिया से संवाद करने का फैसला किया है। उनका ट्विटर अकाउंट है @सुश्री मायावती। आमतौर पर मीडिया से दूरी बनाकर रखने वाली मायावती का सोशल मीडिया पर आना लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर अब तक मायावती के रुख का इंतजार करने वाले मीडिया के लिए भी आसानी होने की उम्मीद है। हालांकि मायावती का ये ट्विटर अकाउंट अक्टूबर 2018 में बनाया गया है, लेकिन BSP ने इसकी आधिकारिक घोषणा अब की है। अभी तक उनके हैंडल से महज 11 ट्वीट किए गए हैं। घोषणा के साथ ही उनके फॉलोअर्स की संख्या भी बढ़ रही है और उसमें बाढ़ सी आ गई है, जबकि मायावती ने अभी तक किसी भी नेता या पार्टी को फॉलो नहीं किया है। उन्होंने अभी तक सिर्फ ट्विटर सपोर्ट को फॉलो किया है। ट्विटर अकाउंट के साथ ही मायावती एक वेबसाइट भी चला रही है, ये वेबसाइट है sushrimayawati.in। हालांकि अभी इस पर काम चल रहा है, उम्मीद है कि इस वेबसाइट पर BSP से जुड़े कार्यक्रम भी देखने को मिल सकते हैं।